अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो यह खबर सुन के आपका खून जरूर खौलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ और बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि ऐसा हुआ है। पूरा वीडियो देखे और बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, पवन सिंह के अगर फैंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं खबर पर। कल तो आपने पवन सिंह का गाना सुना ही होगा कि बीबी चल गई माय का, जो कि SRK म्यूजिक पे आया है और वो गाना अभी तक अच्छी रिपोर्ट है, 3,26,000 व्यूज गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि पवन सिंह के गाने इतनी कम व्यूज हो सकती है? क्या हुई चाल, क्यों हुआ इतना बड़ा पवन सिंह के साथ धोखा? पूरी रिपोर्ट लेकर आई हूँ। चलिए बात करते हैं गाने को। तो मायका चल गई गाना जो है, ना ही उसका पोस्टर आया, ना ही उसकी चर्चा हुई। पवन सिंह ने काफ़ी मेहनत के साथ गाने का रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद उसके वीडियो की भी रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। अचानक SR म्यूजिक वाले ने क्या किया कि सुबह सुबह गाना रिलीज कर दिया और इस बात को पवन सिंह की बिल्कुल भी उनको भनक तक नहीं लगी, जिसके कारण आप अगर देखें तो पूरी तरह से गाने का व्यूज दब गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई ना कोई पवन सिंह को नीचे गिराना चाहता है। मैं इस विषय में उतना नहीं जानती क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया था और ना ही मुझे कहीं पोस्टर दिखा था कि मैं उस पर न्यूज़ बना। लेकिन पवन सिंह के फैंस मुझे बार बार ये कह रहे थे कि आप एक बार ये चीज़ देखिए। जब मैंने देखा तो सच बात है, अभी तक 3,26,000 ही व्यूज गए हैं। आपको लगता है कि पवन सिंह के गाने के साथ इतना कम व्यूज जा सकता है? तो बस मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे चल जाई माय का जो गाना है उसे आप अभी भी सपोर्ट करें, क्योंकि किसी की गलती के कारण पवन सिंह के गाने की व्यूज कम हो रही है। तो बस आपसे यही कहूंगी, गाने को सुने और अपनी राय हमें जरूर नीचे लिखकर कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।